नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइस आज हम बात करने वाले हैं डी जोकर कंपनी की तरफ से जो इनका सिग्नेचर वाला फ्रेग्रेंस है, ये मैंने मंगाया है और कुछ समय से मैं इसे इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। तो जानेंगे इस फ्रेग्रेंस के सारे ही डिटेल्स, लास्टिंग कितनी है और फ्रेग्रेंस कैसे स्मेल करता है। तो दोस्तों, डी जोकर सिग्नेचर फ्रेग्रेंस के अगर हम नोट्स की बात करें तो इसके टॉप नोट्स में हमें देखने मिलता है बर्गमॉन, जेरेनियम, ऑरेंज और लेमन। मिडिल नोट में लैवेंडर, जैस्मिन, सीडर वुड और बेस नोट में पचुली, मस्क, ओक मॉस एंड ब्लैक एम्बर। तो दोस्तों, डी जोकर सिग्नेचर के अगर हम खुशबू की बात करें तो इसके ओपनिंग से हमें काफ़ी बढ़िया एक फ्रेशनेस और सिट्रसीनेस का वाइब आता है। फ्रेशनेस और सिट्रसीनेस के साथ माइल्ड फ्लावरी वाइब हमें आने लगता है। जैसे जैसे ये मिडिल नोट की तरफ जाता है, थोड़ा थोड़ा हमें जैस्मिन का काफ़ी बढ़िया एसेंस मिलता है, मगर फ्रेशनेस और सिट्रसीनेस भी मेनटेन रहता है। और आस्ते आस्ते जैसे ये बेस की तरफ जाता है, हमें एक ओकमॉस जैसा वाइब मिलता है, थोड़े से वुडी एसेंसेस मिलते हैं और माइल्ड स्पाइसीनेस का हमें एसेंस मिलता है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये फ्रेग्रेंस जो है, ये एक फ्रेश सिट्रसी कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है जो कि काफ़ी प्रीमियम स्मेलिंग है। क्लीन फ्रेग्रेंस अगर आप देख रहे हैं तो फ्रेश एंड क्लीन वाले जो कैटेगरीज होते हैं, जिनमें कि हमें नॉटिका का एक्वा रश मिल जाता है, उस किस्म के जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं उस कैटेगरी का हमें ये डी जोकर सिग्नेचर वाला मिल जाता है। वैसे दोस्तों, जो भी फ्रेग्रेंस के जो सिग्नेचर स्मेल होते हैं, जनरली वो काफ़ी ज़्यादा मास अपीलिंग टाइप के होते, तो उनमें हमें काफ़ी यूनिक कुछ देखने नहीं मिलता है। जनरली ऐसे किस्म के फ्रेग्रेंस होते हैं जो सभी को पसंद आए, थोड़े से फ्रेश साइड में जनरली होते हैं और मोस्टली सभी को पसंद आने वाले फ्रेग्रेंस होते हैं। तो ओवरऑल इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगी है, थोड़ी एक प्रीमियम वाइब आती है और जैसे मैंने कहा कि फ्रेशनेस के साथ थोड़ी थोड़ी हमें फ्लावरी वाइब भी मिल जाती है। सेटल होने के बाद थोड़ा सा ये ओकमॉस जैसा वाइब, पचुली का वाइब हमें देने लगता है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो जो सिट्रसीनेस है वो हमें थोड़ा थोड़ा मिलते रहता है, जो कि लेमन का सिट्रसीनेस है, ऑरेंज का सिट्रसीनेस है, वो वाइब हमें मिलती रहती है इस फ्रेग्रेंस से। वैसे दोस्तों, फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। पैकेजिंग की हम बात करें तो मुझे बॉटल जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा है। एक मैट फिनिश ब्लैक कलर की देने दी गई है, मगर अगर आप लाइट के अंदर देखेंगे तो लिक्विड की क्वांटिटी दिख जाती है। कैप भी काफ़ी स्टर्डी क्वालिटी का मिलता है और एटमाइजर भी ठीक ठाक हमें देखने मिल जाता है। और बॉक्स की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कुछ सेम डिज़ाइन पैटर्न हमें देखने मिलता है, क्वालिटी हमें स्टडी देखने मिल जाती है और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स इस तरफ लिखे गए हैं। एमआरपी जो बॉक्स पे लिखी गई है वो 650 रुपीज़ की है और ईडीपी मेंशन किया है इन्होंने 100 ml की क्वांटिटी पे। तो दोस्तों, वेरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है, फ्रेश एंड क्लीन है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑफिस वेयर जो है मॉर्निंग टाइम का ये फ्रेग्रेंस हो जाता है। अब मॉर्निंग में अगर आप एक फ्रेश क्लीन फ्रेग्रेंस देख रहे हैं जो माइल्ड फ्लावरी वाइब के साथ है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। ऑफिस गोइंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया फ्रेग्रेंस हो जाएगा। इवनिंग टाइम में उतना बेटर वर्क नहीं करेगा, पार्टीज के लिए, इवनिंग टाइम के लिए कुछ दूसरे किस्म के फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ा बेटर वर्क करेंगे। सीजन ऑफ ईयर की अगर हम बात करें तो इस किस्म का जो फ्रेग्रेंस है ये जनरली समर के सीजन में काफ़ी बढ़िया वर्क करता है। गर्मियों के मौसम में और समर सीजन में आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आ जाते हैं दोस्तों प्रोजेक्शन और लास्टिंग पे। तो प्रोजेक्शन इनिशियल हमें 1.5 से 2 घंटे के आसपास मिलती है, हाई प्रोजेक्टिंग नहीं है, मगर ओवरऑल प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। लास्टिंग की अगर हम बात करें तो मुझे इंडोर्स में करीब करीब 5 से 6 घंटे के आसपास मिली है और आउटडोर्स में करीब 4 से 5 घंटे के आसपास मुझे इससे लास्टिंग मिली है। तो अगर आप आउटडोर्स के लिए देख रहे हैं तो करीब 4 से 5 घंटे की आपको लास्टिंग इस फ्रेग्रेंस से देखने मिलेगी। तो प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें तो ऑनलाइन चेक करने पर ये फ्रेग्रेंस जो है मुझे कुछ जगहों पे करीब 480 के आसपास देखने मिला है और कुछ जगह पे कुछ 550 के आसपास देखने मिला है, 540 के आसपास। तो मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि अगर ये फ्रेग्रेंस आपको 500 के अंदर में मिलता है, थोड़ा सा बजट में मिलता है, तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस मुझे प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में ठीक लगता है, अगर थोड़ा सा बजट में आपको मिल जाए तो। वैसे दोस्तों, कौन इसे पहन सकते हैं अगर इसकी हम बात करें तो मुझे लगता है कि यंग ऑफिस गोइंग लोग जो है, जो ऑफिस के लिए एक थोड़ा सा सटल किस्म का फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, प्रीमियम स्मेलिंग है ये, थोड़ा सा जेंटलमैन्स वाइब देता है, तो अगर आप थोड़ा सा सटल किस्म का फ्रेग्रेंस देख रहे हैं तो आप डी जोकर के सिग्नेचर वाले फ्रेग्रेंस को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा? तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेग्रेंस जो है एक सिग्नेचर किस्म का ही फ्रेग्रेंस है, मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस है, जो कि सभी को इतना ज़्यादा
अनॉय नहीं करने वाले जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, जो सभी को थोड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, उस किस्म के फ्रेश क्लीन और फ्लावरी वाइब देने वाले जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, उस किस्म का फ्रेग्रेंस है, थोड़ा बजट में मिल जाए तो अच्छा है। सटल किस्म का है तो आप ऑफिस वगैरह में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डी जोकर की तरफ से जो बाकी भी फ्रेग्रेंसेस है इन्हें मैंने ऑर्डर किया है, तो मैं कोशिश करूंगा आस्ते आस्ते उन सब का भी एक डिटेल रिव्यू आपके लिए लेके आऊँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, डी जोकर की तरफ से जो सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है इसके बारे में एक डिटेल रिव्यू। कैसा लगा आज का वीडियो ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और फ्रेग्रेंस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।